चलिए शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि की खबर से। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सुबह 2 बजे भस्म आरती हुई और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल की खास पूजा की गई। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाया गया और फिर भांग से श्रृंगार किया गया। यहाँ महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर उमा भारती ने कहा कि शिवराज सरकार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। उन्होंने बेहतर तरीके से सिंहस्थ के संपन्न होने की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश में खंडवा के मशहूर ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देर रात से ही भक्त मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह पट खुलते ही बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। धर्मनगरी हरिद्वार में भी शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है, लेकिन देश में 10 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद हर ओर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुजरात और दिल्ली में तो पुलिस और खुफिया तंत्र बेहद हाई अलर्ट पर हैं और सुरक्षा को लेकर खास चौकसी बरती जा रही है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इस बीच आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। शिवरात्रि पर आईबी की रिपोर्ट पर राजस्थान एटीएस ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के एसपी को इस बारे में चिट्ठी भेजी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा बलों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट पाकिस्तान के एनएसए नासिर खान जानजुआ की जानकारी के बाद जारी हुआ है। पाक एनएसए ने लश्कर और जैश के 10 आतंकियों के कच्छ के रास्ते गुजरात में दाखिल होने की जानकारी साझा की है। खबर है कि आतंकी सोमनाथ मंदिर को निशाना बना सकते हैं, वहीं ये आतंकी दिल्ली में भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जेएनयू विवाद पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोरदार हमला बोला है। मथुरा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा कि जेएनयू में अफजल गुरु का समर्थन करने वाला एक छोटा गुट जिहादियों का था और उनको समर्थन देने वाला बड़ा गुट माओवादियों का, लेकिन इन दोनों का समर्थन करने कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। वृंदावन में भारतीय जनता युवा मोर्चा अधिवेशन के समापन सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति से देश को आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। वृंदावन में भारतीय युवा मोर्चा के अधिवेशन के समापन सत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास के मामले में भारत तरक्की के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं स्वयं सशक्त हैं और वो अपने सशक्तिकरण के लिए पुरुषों की मोहताज नहीं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बेटे कार्ति के खिलाफ आरोपों पर सफाई दी है। चिदम्बरम ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि बेटे को बहाना बनाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जेएनयू रजिस्ट्रार ने नया खुलासा किया है। 9 फरवरी को विवादित कार्यक्रम रद्द किए जाने पर कन्हैया ने ऐतराज जताया था। इस मामले में 11 मार्च तक जांच समिति की रिपोर्ट आएगी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज पाकिस्तानी सुरक्षा दल भारत आ सकता है। पाकिस्तान का यह सुरक्षा दल सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगा। सुरक्षा दल की हरी झंडी के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आएगी। नोएडा एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट में मारे गए डॉक्टर की बेटी ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया है कि अगर एचआरडी मिनिस्टर समय पर मदद करती तो उनके पिता की जान बच सकती थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना महंगा हो गया है। यूपी सरकार ने 2% स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
यूपी के अंबेडकर नगर में दुर्घटना बीमा के लिए कागजी मकरजाल में फंसे किसान, मौत की वजह साबित ना कर पाने पर सरकारी मुआवजा उनको नहीं मिला है और 3 सालों में 13 किसानों की सांप के काटने से मौत हुई। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश कर दी गई है। करीब 700 पन्नों की रिपोर्ट में यूपी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। ये रिपोर्ट जस्टिस विष्णु सहाय की जांच के बाद बनाई गई। रिपोर्ट में जिले के कई आला अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं रिपोर्ट पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि जस्टिस सहाय आयोग ने मुजफ्फरनगर दंगे के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सभी जानते हैं कि दंगों के पीछे कौन लोग थे। उन्होंने मीडिया को भी इस मामले में दोषी बताया, जबकि बीजेपी ने दंगे के लिए सरकारी मशीनरी की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने मंत्री के बेटे को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। समाज कल्याण मंत्री रवेला किशोर बाबू के बेटे सुशील एक महिला टीचर से उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घटना 3 फरवरी की है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपी पर निर्भया एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यूपी के हापुड़ में पॉलीमर्स बर्तन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की वजह से लाखों की संपत्ति के नुकसान का अंदेशा है। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के बिजनौर में हुए 2 सड़क हादसों में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायल कांवड़ियों ने प्रशासन पर मदद के नाम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शशांक यादव ने एमएलसी चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। शशांक यादव ने बीजेपी उम्मीदवार इतेंद्र वर्मा को 1971 वोटों से हराया। समाजवादी पार्टी के शशांक यादव को 2217 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को महज 246 वोट मिले। गुजरात में आतंकवादी घुसपैठ को लेकर आईबी के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड में भी एहतियात के तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खासकर महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी देहरादून सहित उच्च अधिकारियों ने महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के कोटद्वार में रिहायशी इलाके में घुस आए तेंदुए को 8 घंटे की लुकाछिपी के बाद मार गिराया गया। इसके लिए शार्प शूटर की मदद लेनी पड़ी। ट्रायंगुलाइज का इंजेक्शन लगाने के बाद वन विभाग की टीम जैसे ही तेंदुए को पकड़ने गई, तेंदुए ने वन विभाग के 2 कर्मचारियों को घायल कर दिया और इसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को मारने का फैसला किया। रुद्रप्रयाग के सिनघाटा गांव में तेंदुए ने 9 साल की एक लड़की को घायल कर दिया। घायल लड़की का इलाज चल रहा है। गांव वालों के विरोध के बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाने की बात कही है। साथ ही घायल लड़की के इलाज के लिए वन विभाग ने 5,000 रुपए भी दिए हैं। नई टिहरी जेल में 22 फरवरी से अनशन कर रहे मलेथा आंदोलन के नेता समीर अतुड़ी की सेहत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन उन्होंने अस्पताल में भी अनशन जारी रखा और ग्लूकोज लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी पर छात्रों के आंदोलन के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फीस बढ़ोतरी को वापस लिया जाएगा। केजरीवाल ने जानकारी दी कि मैंने शिक्षा विभाग से इसे वापस लेने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को कुछ हिदायतें देते हुए कहा है कि वो ये तय करें कि बच्चे स्कूल के समय में बाहर ना घूमें। साथ ही सरकार ने स्कूलों से कहा है कि वो दिन में 2 बार बच्चों की अटेंडेंस लें और स्कूलों की बाउंड्री ऊंची करवाने के साथ ही स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएं। लापरवाही बरतने पर स्कूल प्रिंसिपल और टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई। दिल्ली के सोनिया विहार में 3 लोगों ने एक ठेकेदार की फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी और उसे बाइक समेत जमीन में दफना दिया। दरअसल मरने वाले शख्स इदरीस को ठेका मिलने से नाराज महक सिंह, मनोज सिंह और उसके एक साथी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली महिला आयोग ने DCW अचीवमेंट अवार्ड को देने का ऐलान किया है और ये अवार्ड 25 ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने असाधारण तरीके से अपने कार्यों को सामाजिक हित में पूरा किया है। ये अवार्ड फंक्शन 8 मार्च को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिए जाएंगे।
ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में ज्वेलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। विरोध में कल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। महाराष्ट्र की ही तरह दिल्ली में भी थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को अब अपनी शादी की सालगिरह और बच्चों के जन्मदिन के लिए छुट्टियां मिला करेंगी। और दरअसल पुलिसकर्मियों में तनाव को दूर करने के लिए ये फैसला किया गया है। इस आदेश को लेकर इसी हफ्ते से ये आदेश जारी कर दिया गया है। सीबीआई ने कल 6000 करोड़ रुपए के बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स घोटाले केस में दिल्ली और एनसीआर में करीब 10 ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई में 8500 विदेशी लेनदेन की जानकारी मिली है, जिनका लेनदेन 59 बैंक अकाउंट्स के जरिए किया गया। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार ने आरटीओ समेत दो और सेंटर लोनी रोड और सराय काले खां को इसके लिए मान्यता दे दी है। अब इन दोनों नए सेंटर पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की भी व्यवस्था है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम अब जल्द ही अपनी संपत्तियों के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम की करीब 3.5 लाख संपत्तियों के रिकॉर्ड्स का डिजिटलकरण हो जाएगा और बाद में इसकी क्षमता करीब 4 लाख तक बढ़ा दी जाएगी। महाराष्ट्र की एक अदालत ने कांग्रेस विधायक नितेश राणे समेत 38 लोगों को 10 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। नितेश पर सिंधुदुर्ग के डीएम दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को मुंबई के लोगों ने जवाब दिया। मुंबई के जुहू चौपाटी पर स्पीक अप इंडिया के बैनर तले लोगों ने मार्च निकाला। मार्च में काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिनके हाथ में तिरंगा था और वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। समाज सेवी अन्ना हजारे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हजारे को काफी दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और अन्ना हजारे को पहले ही जेट श्रेणी सुरक्षा मिली हुई है। संसद के बजट सत्र में शिवसेना भी सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेगी। शिवसेना ने ज्वेलरी पर लगे 1% एक्साइज ड्यूटी का विरोध करने का ऐलान किया है। ज्वेलरी व्यवसायियों से मुलाकात के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने फैसले का विरोध करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के यवतमाल में जज अनूप कुमार जवलकर का शव रेलवे पटरियों के पास मिला, जबकि उनकी मारुति कार चांदू रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास खड़ी थी। पुलिस आत्महत्या का शक जाहिर कर रही है। अनूप कुमार यवतमाल के दीवानी अदालत में जज थे। मुंबई के पास गिरगांव में बोरवेल में गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का नाम बालू जावले और बसंत जावले है। रविवार की दोपहर को ये वारदात हुई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल ने अपने ऊपर लगे जमीन में हेराफेरी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। रणजीत पाटिल का कहना है कि उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। मुंबई की दहिसर नदी को बचाने के लिए वाटरमैन के नाम से मशहूर समाज सेवी राजेंद्र सिंह ने 5 किलोमीटर तक मार्च निकाला और इसके साथ ही कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हुए। दहिसर नदी करीब 14 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर पश्चिम मुंबई के बोरीवली और दहिसर से गुजरती है। मुंबई में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएमसी अस्पतालों के प्रसूति विभाग में 5000 गर्भवती महिलाओं को स्वाइन फ्लू की दवा दी गई। किसानों की हालत सुधारने को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोध कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ज्यादातर पढ़े लिखे मुस्लिम और महिलाएं इसके पक्ष में हैं। ग्वालियर में खनन माफिया ने वन विभाग की कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की जान ले ली। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर नरेंद्र की हत्या कर दी गई। ड्राइवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने नरेंद्र की मौत पर दुख जताया। महिला दिवस से पहले भोपाल में एक एनजीओ ने एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को रैंप के जरिए एक मंच मुहैया कराया। इस मौके पर एसिड अटैक की शिकार महिलाओं ने बीते कल को भूलकर अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया और लोगों से अपनी आपबीती साझा की।
राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जेएनयू मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही विधानसभा में कांग्रेस के रवैये पर भी चुटकी ली। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार में गैस भरने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और इसमें एक 12 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे की वजह कार में क्षमता से ज्यादा गैस भरे जाने को बताया जा रहा है। राजस्थान के सीकर में एक प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कुएं से दोनों के शव बाहर निकाले। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस गहराई से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर के राजेंद्र प्रसाद नगर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया, साथ ही अतिक्रमण हटाने गई जेसीबी मशीन पर भी लोगों ने जमकर पथराव किया। इससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल 16 मार्च से पहले पास हो सकता है। राज्यसभा में अटके इस बिल के पास होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे पास कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर रियल एस्टेट बिल को पास कराने के लिए प्राथमिकता देने की मांग की है, ताकि बजट सेशन के पहले चरण में ही इसे पास कराया जा सके। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 16 मार्च को खत्म हो रहा है और इससे पहले शनिवार को संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि सरकार रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल राज्यसभा में पेश करेगी। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर सिलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों को मान लिया था, लेकिन राज्यसभा में जारी हंगामे की वजह से बिल पास नहीं हो सका था। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बिल को बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बिल पास हो पाएगा। इंडस्ट्री काफी समय से इस बिल को पास कराने की मांग कर रही है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के हवाला केस में 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापे दिल्ली समेत कई शहरों में मारे गए। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच के जरिए विदेशों में करीब 6,500 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से भेजे गए थे। अप्रैल दिसंबर के दौरान सर्विस सेक्टर में एफडीआई निवेश 85% से ज्यादा बढ़ा है। इस दौरान सर्विस सेक्टर में $425 करोड़ का निवेश आया है। देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की भागीदारी 60% से ज्यादा है। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, आरएनडी, कुरियर और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग शामिल हैं। हाल के दिनों में सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई कदम उठाए हैं और उसका असर भी दिख रहा है। लो कॉस्ट एयरलाइंस एयर एशिया ने 1,099 रुपए की टिकट स्कीम लॉन्च की है और ये स्कीम कुछ चुने हुए घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स पर लागू होगी। इस स्कीम के तहत 1 अक्टूबर 2016 से 22 मई 2017 के बीच यात्रा के लिए 7 से 13 मार्च के बीच टिकट बुक करानी होगी। घरेलू रूट्स के लिए फेयर की शुरुआत 1,099 रुपए से होगी, जबकि विदेशी रूट्स के लिए टिकट की शुरुआत 2,999 रुपए से होगी। वोडाफोन और कैरन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सरकार वोडाफोन और कैरन पर लगाया गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स माफ नहीं कर सकती, क्योंकि ये तत्कालीन कानून के तहत की गई एक वैधानिक प्रक्रिया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने साफ कहा कि सरकार इन कंपनियों को ब्याज और पेनल्टी से छूट दे सकती है, लेकिन प्रिंसिपल इन्हें चुकाना होगा। आपको बता दें कि यूके की ऑयल एक्सप्लोरर कैरन एनर्जी पर 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, जबकि वोडाफोन पर 14,200 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। अधिया के मुताबिक अभी तक सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ब्याज और पेनल्टी से छूट देने के संकेत दिए थे, लेकिन अब वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा कर इसे वैधानिक बना दिया है और सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लंबे वक्त से ठप पड़ रही किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने वेतन को लेकर विजय माल्या को एक खुला खत लिखा है। कर्मचारियों ने खुले पत्र में माल्या पर देश की खासकर विमानन उद्योग की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने लिखा है कि हम आपकी उदासीनता की वजह से लगातार पीड़ा और तनाव में हैं। उन्होंने माल्या के उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें माल्या ने कहा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है।
कर्मचारियों ने कहा है कि कोई पछतावा नहीं होने की टिप्पणी से सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, जबकि हमारे लिए किंगफिशर एयरलाइंस का अस्तित्व अब भी है क्योंकि हम अब भी बिना वेतन के पैरोल पर हैं। आपको बता दें कि माल्या ने हाल ही में कहा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जब तेल की कीमतें इतने निचले स्तर पर हैं, किंगफिशर एयरलाइंस उड़ान नहीं भर रही। कर्मचारियों ने पीएम से भी इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि नए बैंकरप्सी कानून में ऐसी स्थितियों को शामिल किया जाए जिसमें कंपनियां कर्मचारियों को उनका बकाया नहीं देती। भारत ने बांग्लादेश को हराकर छठी बार एशिया कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारत ने बारिश से प्रभावित फाइनल मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 15 ओवरों में 120 रन बनाए, लेकिन भारत ने 7 गेंद रहते इस लक्ष्य को हासिल कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। भारत के नाम सबसे अधिक बार एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। टर्की के समंदर तट के पास शरणार्थियों से भरी एक नाव पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई। स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर की मदद से 15 लोगों को बचाया गया जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। टर्की के बाद ग्रीस की कोस्ट गार्ड ने भी लेस्बोस आइलैंड के पास रबर बोट से शरणार्थियों को रेस्क्यू कराया और इन बोट्स पर 368 लोग सवार थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैन्सी रीगन का हार्ट फेल होने से निधन हो गया। वो 94 साल की थी। नैन्सी 1940 से 50 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ईरान के खरबपति उद्योगपति मैन बबाक जंजानी समेत 3 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। जंजानी पर सरकार के $2.7 बिलियन के तेल के गबन का आरोप है और जिसका 1/4 उसे हर्जाने के तौर पर भी देना होगा। जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा है कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से जाना ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये बात बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कही। ब्रिटेन में 23 जून को वोट डाले जाएंगे जिसमें फैसला होगा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहेगा या नहीं। जीका वायरस की मार झेल रहे ब्राजील पर अब डेंगू का भी खतरा मंडराने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू के 46% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आसपास सफाई रखने की अपील की है। अपनी साप्ताहिक प्रार्थना सभा में पोप फ्रांसिस ने यमन में 4 ननों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी भी मीडिया हाउस ने इस खबर को प्राथमिकता नहीं दी। साउथ कोरिया और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। सैन्य अभ्यास में 3 लाख साउथ कोरियाई और 15,000 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा, जबकि नॉर्थ कोरिया ने युद्ध की तैयारी बताकर इसकी निंदा की है। टर्की के शहर इस्तांबुल में महिलाओं की एक रैली पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई। इस रैली में महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही थी, लेकिन रैली बगैर अनुमति के निकाली गई थी। कुआलालंपुर में 2 साल पहले मलेशियाई एयरलाइंस के MH370 की बरसी मनाई गई। इस मौके पर लापता हुए लोगों को याद किया गया। हादसे में लापता लोगों के रिश्तेदारों ने जांच एजेंसियों से जांच जारी रखने की अपील भी की।